बट आज भी मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो हमें बड़े ज्ञान देता था, मारुति मतलब 2000 आरपीएम पे नहीं जाती, तब तक वो चलती है गधे की तरह। सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करें आई नहीं है इसकी। और दूसरी चीज, आप इको स्पोर्ट और पोलो जैसी गाड़ी चला चुके सर, आमरेस लगाऊंगा। आजकल वैसे करोल बाग वाले तो एसी वेंट वाले आमरेस लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 6 महीने 3-4 महीने के अंदर हम एसी भी चालू कर देंगे पीछे का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेम में आप गाड़ी देख पा रहे होंगे, बलेनो की नंबर वन दुश्मन है ये गाड़ी। ये है टोयोटा ग्लांजा, चैनल में पहली बार आ रही है और अंकुश जी की गाड़ी है, नई नवेली गाड़ी है। अंकुश जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और अंकुश जी ने 1000 किलोमीटर चला ली है और साथ के साथ एक सर्विस इसकी कर दी है। बिल्कुल। और कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आपको सुनकर जो है आप आश्चर्यचकित होंगे, वो ये है कि पहले ये चलाते थे पोलो, उसके बाद आए हैं ग्लांजा में। घर में इनके इको स्पोर्ट है, ठीक है। अब बात ये आती है कि रीज़न क्या बने इस गाड़ी को लेने के, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ों के बारे में पता ही होगा कि बलेनो की खासियत क्या है। वैसे देखा जाए तो बलेनो ही है सर, टोयोटा की बैजिंग के साथ आती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि जो इसका आगे का लुक है काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें बलेनो से। और इसका लेने का रीज़न बस थोड़ा सा वही था, रनिंग कॉस्ट थोड़ी इसकी ठीक रहेगी। फिर मेरे को यही गाड़ी समझ आई कि भैया स्पेस भी है, लुक्स भी है और फिर रनिंग कॉस्ट भी ठीक है, क्योंकि 17-18 की एवरेज मैंने इसकी 19 की एवरेज सुनी है कि दे देती है। अच्छा। अगर आप ठीक ठाक से चलाओ। आपको मिल कितनी रही है? ब्रिम टू ब्रिम चेक नहीं करा, बट वैसे जो मुझे लग रहा है, मैंने जितने अब तक तेल डलवाया है और जितनी चल चुकी है, उसी हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 16-1 के आसपास अभी दे रही है। एक बात बताओ यार, सबसे बड़ी बात यह है कि बलेनो, अगर देखा जाए बलेनो की सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा है मारुति का अगर कहें तो, लेकिन जो बलेनो को छोड़ के आप इसमें टोयोटा में गए, टोयोटा ग्लांजा में गए, उसके जो मेन रीजन है वो बताइए आप। 3 रीजंस हैं जो मैं बताऊंगा। पहली चीज सर्विस नेटवर्क को लेके जो आप कह रहे हो सर, मेरा ना एनसीआर में ही रहता हूँ, मेरा होम टाउन रोहतक है, जॉब मेरी गुड़गांव में है, तो उस पर्सपेक्टिव से सर्विस नेटवर्क की मुझे इशू होने नहीं वाला। बिल्कुल। और जो 3 मेन रीजन थे जो मैंने टोयोटा को चूज किया ऊपर ओवर बेसिकली मारुति, पहली चीज थी सर इसकी सर्विस वारंटी जो वो दे रहे थे, मतलब जो वारंटी दे रहे थे, इसकी बेसिक वारंटी 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की आ रही है, जबकि मारुति दे रही है 2 साल 40,000 किलोमीटर की, ठीक है। दूसरा सर इसकी लुक्स, अगर आप दोनों गाड़ियों को आमने सामने खड़ी कर दो ना, आप सर देखोगे भी नहीं बलेनो की साइड इसकी लुक्स के आगे, सिर्फ फ्रंट लुक्स, साइड लुक और बैक लुक सर बिल्कुल सेम है। तीसरा चीज इसका इंटीरियर, इसका इंटीरियर जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक और बेज का दे रखा है। हाँ। और उसके अंदर ब्लैक और ब्लू का है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये ग्लांजा का बेस वेरियंट है। और ये बता दीजिए कितने का पड़ा था आपको ऑन रोड? सर इसका 6,39,000 इसका एक शोरूम था। मुझे एक और बात बता दीजिए, फिर उसके बाद गाड़ी चलाते हैं, हेडलाइट का थ्रो कैसा है? सर मुझे ठीक लगा, मैंने 2-3 बार रात में चलाई है, बट मुझे सही लगा क्योंकि प्रोजेक्टर सेटअप है बेस मॉडल से ही। हाँ। तो मुझे गाड़ी का थ्रू एकदम ठीक लगा अभी तक। तो चलिए गाड़ी को चलाते चलाते बातचीत करते हैं और जो जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं गाड़ी में ओवर द टाइम वो आपको बताते हैं। आइए देखो, ये नई नई गाड़ी है, नई नई गाड़ी में प्लास्टिक की स्मेल आती है आपको तो पता ही है। और उसको काउंटर करने के लिए मैंने इस गाड़ी में खोल दिया है इन्वॉल्व 1 का मस्क, और ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। जैसे ही मैंने इसको खोला गाड़ी पूरी महक गई और रिफ्रेशिंग सा माहौल हो गया है इस गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज, ये गिरता नहीं है, स्पिल नहीं होता है, और साथ के साथ इसकी फ्रेग्रेंस को आप जो है रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें है ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी जिसमें सही मात्रा में आपकी जो है गाड़ी के अंदर फ्रेग्रेंस बनी रहती है, जिससे कि आपका केबिन रिफ्रेशिंग रहता है, आपकी फैमिली को काफी अच्छा लगेगा। आपको अगर इसको परचेज करना है, ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बहुत ही रिकमेंडेड है ये मस्क, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ 3M की टेप भी आती है, आप यहाँ पर लगा के इसको डैशबोर्ड में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको जो है इसके कप होल्डर में रख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से भी ये गाड़ी को अच्छा खासा महका देगा। तो चलिए चलाकर देखते हैं इस गाड़ी को। एक और चीज मैं आपको दिखा दूंगा, चाबी है मारुति वाली और बैजिंग है टोयोटा की, कोई नई बात नहीं है। और आपको स्पेस कैसा मिल रहा है और आपकी हाइट क्या है ये बताओ। सर मेरी हाइट 5'11" है और मेरे पास एडिक्वेट स्पेस है, मतलब आई कैन इजीली सेट, आराम से खुला हो गया, आराम से बैठ सकता हूँ, ऐसी कोई मेरे को स्पेस की इशू नहीं लग रही। इन्होंने गाड़ी की फील ना अंदर से पूरी की पूरी टॉप मॉडल वाली कर दी है। एक बात बताओ यार, जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये भी लगवाए हैं क्या आपने बाहर? हाँ जी, ये भी मैंने बाहर से ही लगवाए हैं। और ये जो ये पूरा सेटअप यहाँ पर इधर से पूरा चेंज हुआ होगा ये? बिल्कुल सर, इसमें सर एक बेनिफिट ये बहुत अच्छा है कि बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। बिल्कुल, तो उससे बेसिकली कोई बता ही नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, ये बहुत अच्छी चीज इसके अंदर दे रखी है। और यहाँ पर बिल्कुल खाली स्थान आपको मिलेगा, यहाँ पर एसी वेंट नहीं मिलते हैं। इसमें लगवाओगे क्या ये भी? अब सर आमरेस लगाऊंगा, आजकल वैसे करोल बाग वाले तो
एसी वेंट वाले आर्मरेस्ट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 6 महीने 3-4 महीने के अंदर हम एसी भी चालू कर देंगे पीछे का। अभी जैसे हम थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जगह में चला रहे हैं, पहले के मुताबिक इसके सस्पेंशन थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा कंफर्ट के मामले में। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको पता ही है, 1.2 लीटर का जो इंजन आता है सुजुकी का, बड़ा ही जबरदस्त है। और एमआईडी में यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है 19 किलोमीटर पर लीटर। आप तो कह रहे हैं 15-16 मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर तो 19 दिखाई दे रहा है। सर मुझे जो लगा ना इसके एमआईडी में और एक्चुअल एवरेज में 2-1 किलोमीटर का डिफरेंस है ये। और अभी गाड़ी को हम लेके आए हैं घुमावदार सड़कों में, इसकी स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। और गाड़ी पहले से काफी स्मूथ हो गई और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है स्टेयरिंग में, आप देखिए ये वापस आ जाता है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आप जितना पैसा लगा रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा आपका वर्थ है। एक और चीज आप मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपने हाईवे में चलाने के लिए ली है या फिर स्पेशली सिटी के लिए ली है? क्योंकि देखो सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करें आई नहीं है इसकी, और दूसरी चीज आप इको स्पोर्ट और पोलो जैसी गाड़ी चला चुके हैं। मेरे को सर हाईवे कम्यूटिंग के लिए, हाईवे ट्रेवल के लिए बेसिकली, मैं जब मेरे पास पोलो थी मैं तब भी इको स्पोर्ट यूज करता था। मैं एक ऐसा बंदा था जो शायद आज से 6 महीने पहले ये कहा करता था कि भाई कुछ भी ले लो लेकिन मारुति नहीं, ठीक है। और लेकिन जब खुद मार्केट में आप एक्चुअल में निकलो ना देखने गाड़ी, और जब आप रिसर्च करो तो आपको समझ आता है कि यार मारुति के अलावा कोई आपको ढंग का ऑप्शन मिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने मारुति आज भी नहीं ली। बिल्कुल सही, यही कहने वाला था, मैंने कहा वो तो अभी भी नहीं लिया आपने। कहने को टोयोटा में है तो दिल तो मारुति का ही है, बट ठीक है सब कुछ मारुति का है, दिल ढांचा सब कुछ है। बट आज भी मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो हमें बड़े ज्ञान देता था, मारुति मतलब और खुद लिया। मैंने कहा नहीं भाई टोयोटा लाया हूं मैं। चलो बात अगर ज्ञान की आई है तो आप किन लोगों को रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी? अगर आपकी सिर्फ लोकल में ही ड्राइविंग है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो क्योंकि इसका एवरेज भी ठीक है। डेली कम्यूट हो, डेली कम्यूटिंग के हिसाब से ये गाड़ी सही है। बट अगर आपके पास सिंगल एक यही गाड़ी होने वाली है तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप खाली ये गाड़ी लो। आप बेसिकली इससे अच्छे ऑप्शंस पे जाओ जिनकी सेफ्टी रेटिंग्स भी अच्छी हो और इंजन भी बड़ा हो, क्योंकि मेरे को तो डेली कम्यूट करना था तो मेरे को 1.2 लीटर इंजन वाज इनफ। आपने ज्यादातर डीजल गाड़ियां ही चलाई है, जैसे आपके पास पोलो थी और इको स्पोर्ट डीजल में है, कितनी देर में अडॉप्ट करा आपने पेट्रोल इंजन को? सर अभी भी अडॉप्ट कर ही रहा हूँ क्योंकि अभी 1000 किलोमीटर ही चली है। अच्छा। और साथ के साथ जैसे इको स्पोर्ट भी चलाता रहता हूँ तो अभी मतलब पूरी तरह से मैं शिफ्ट नहीं हो पाया पेट्रोल में। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो क्या है, पेट्रोल इंजन में नॉइस नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंट इंजन है। कई बार तो मैं एक्सेलरेटर दबाता रहता हूँ भाई साहब ये स्टार्ट है नहीं है। और थोड़ा सा पेट्रोल इंजन मुझे मतलब लगता है कि सेकेंड गियर्स वगैरह में थोड़ा लेजी रहता है, जबकि डीजल इंजन जब जो है ना वो बेसिकली 2000 RPM के आसपास पहुंच जाए तो भैया नथिंग लाइक डेट। और पोलो तो आपको पता ही है कि पोलो बेसिकली वही है, जब तक 2000 नहीं चलती ना, 2000 RPM पे नहीं जाती तब तक वो चलती है गधे की तरह। उसके बाद जब 2000 RPM पार होता तब वो बन जाती घोड़ा। अच्छा एक और बात पूछनी थी आपसे, आप बता रहे थे कि आपने ब्रेजा को रिजेक्ट करा था इस गाड़ी के लिए। हाँ। ऐसा क्यों यार? एक रीजन सिर्फ ब्रेजा को रिजेक्ट करने का ये था कि सर एक तो वो आउटडेटेड काफी हो चुका है उसका इंटीरियर वगैरह, और आने दो तीन महीने में आपको रिग्रेट होता है बिल्कुल। और दूसरा फिर जैसे मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए थी। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, अगर आपको रनिंग कॉस्ट कम ही चाहिए थी तो आपके पास इस बजट में सीएनजी का भी ऑप्शन था यार। सर देखिए इस बजट में जो सीएनजी के ऑप्शन थे ना वो मेरे को मतलब मेरे को उस बजट में कोई गाड़ी समझ नहीं आई। अच्छा। अभी तक मेरे को जो सीएनजी के अंदर गाड़ी समझ आई है ना वो सिर्फ एक अर्टिगा ही समझ आई है। अच्छा। जो गाड़ी भी थोड़ी हैवी है, इंजन भी बड़ा है और उसके साथ सीएनजी चलती भी अच्छी है। अगर मुझे कल को लगा तो मैं सीएनजी बाहर से फिट करा के चला लूंगा, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। 18-19 तक की एवरेज अगर ये निकलती थी, बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखो ना सर 82 रुपीज 83 रुपीज सीएनजी हो चुकी है। ठीक है, आप सीएनजी गाड़ी किस लिए लेते हो भाई? किफायती पड़े, जब उसकी किफायती ना ऐसी खत्म हो चुकी है, किफायती आपको पड़ेगी नहीं तो फिर क्या फायदा सर? 100 किलो का वजन भी एक्स्ट्रा लेके चलो, डिक्की स्पेस भी खत्म करो, एक्स्ट्रा कॉस्ट दो खरीदते वक्त, बिल्कुल 1 लाख रुपए फालतू आपको देना पड़ता है। इन केस आपको फ्यूचर में लगानी पड़ जाए सीएनजी तो इसमें आप आसानी से लगा बिल्कुल सकते हो। इसी पर्सपेक्टिव से ही मैंने सर सिर्फ मारुति या ये टोयोटा जो ली है सिर्फ इसी वजह से ली है। एक सर्विस आपने करवा ली है 1000 किलोमीटर वाली, कैसा एक्सपीरियंस है आपको टोयोटा का, कैसा लगा सर्विस सेंटर का? मेरा जो ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस था एमजीएफ के साथ वो भी काफी अच्छा रहा। एक दो प्रॉब्लम थी जो इसके अंदर आ रही थी वो फर्स्ट डे से ही थी
इसका जो स्टेयरिंग था ना वो हल्का सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. तो मैंने वो उनके जो बेसिकली वहाँ पे सर्विस एडवाइजर थे उनके, उनको मैंने दिखाई है, उनको भी फील आया कि हाँ थोड़ा सा टिल्टेड है, तो वो उन्होंने अब ठीक करके मेरे को दे दिया. एक और रीजन अगर आप बलिनो को छोड़कर इस पे जाते हैं ग्लांजा में, ये रीजन भी आपके लिए एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है कि इनकी सर्विस काफी अच्छी है. अच्छी है. दूसरी चीज, ये फालतू की चीजें थोपते नहीं है आपको, मतलब कि सर्विस कॉस्ट जो आएगा आपका वो ठीक ठाक रहेगा, रीजनेबल रहेगा, जो होना चाहिए एक्चुअल में. और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. हाँ जी. कि आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कौन सा लगा? सर मेरे को जो लगा ना वैल्यू फॉर मनी इस गाड़ी में वो बेस वेरियंट ही लगा, क्योंकि आपके पास बेस वेरियंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, चारों पावर विंडो, ABS, EBD, दो एयरबैग, प्रोजेक्टर सेटअप, आपके पास बेट्स मॉडल से ये सारी चीजें आ रही हैं. इसका सर मैंने एक वेरिएंट अपर जो था मैंने वो भी देखा, ठीक है, वो इससे 1,00,000 रुपए महंगा था, बट उसके अंदर फीचर्स क्या एडिट थे, सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम और ऐड कर रखा था, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स उसके अंदर एडिट थे, शायद एक आधा कोई और चीज था, कॉस्मेटिक चेंज ही था. और मतलब मोटे मोटे तौर पे 1,00,000 रुपए का डिफरेंस हो, 1,00,000 रुपए का डिफरेंस था, बट जो वो वैल्यू एड कर रही थी ना वो 35-40,000 से ऊपर की नहीं कर रही थी. अच्छा एक बात बताओ, जितने आपके पैसे लगे उस हिसाब से गाड़ी वर्थ है? सर आज के टाइम पे अगर मार्केट में देखो तो मेरे को 7,50,000 रुपए में शायद इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाता. मैंने जो देखा, पूरी रिसर्च करी, क्योंकि मेरे को गाड़ियों का थोड़ा शौक है, मैं काफी जैसे आपकी वीडियोस भी मैं बहुत रेगुलरली इवन डेली ही देखता हूँ. और फिर अगर आप सर इस गाड़ी को देखेंगे ना, ये थोड़ा सा अगर आपने देखा हो ना, टोयोटा ने ना जो i20 इलाइट आई थी ना आज से 7 साल पहले, थोड़ा सा ना उसको बेसलाइन बना के ये गाड़ी को बनाया गया. अच्छा. जैसे उसकी सर अगर आप लुक्स देखोगे, बहुत शार्प लुक्स बनाई थी उस टाइम के हिसाब से, इंटीरियर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया था, और वो चीज आज 7 साल बाद टोयोटा और मारुति ने मिलके डाला. अच्छा. है मतलब आप समझ सकते हैं कि 7 साल पीछे है मारुति और टोयोटा हुंडई से. देखो एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि गाड़ी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस गाड़ी में खासकर लिमिटेड स्पीड में चलें, 100 और मैक्सिमम 120 भी स्ट्रेट लाइन में चले. तो समरी ये है कि आपको रीजनेबल प्राइस में ऐसी गाड़ी चाहिए जो खर्चा कम करवाती हो, स्पेस उसमें अच्छा हो, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर अच्छा हो, और साथ के साथ सिटी में चलाने के लिए ज़बरदस्त हो, तो ये वो गाड़ी है. कंट्रोल्स काफ़ी ईजी हैं इसके, स्टेयरिंग लाइट है, और साथ के साथ क्लच वगैरह और गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ रहती है मारुति की एज़ यूजल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं अगर आपका क्राइटेरिया ये हो तो. फैमिली कार चाहिए, सेफ कार चाहिए, तो और भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर. तो ये था अंकुश जी का एक्सपीरियंस, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी क्यों सेलेक्ट करी घर पे अच्छी अच्छी गाड़ियां होने के बावजूद भी. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू अंकुश जी आने के लिए यार. थैंक यू रवि सर.